हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक वी आर गोइंग डिस्कस दैट इज द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग टॉपिक पास्टोरलिज्म इन अफ्रीका एंड वी आर डिस्कस इट इज वन सब टॉपिक दैट इज वाई आर हैव द ग्रेजिंग लैंड इज गॉन। और आज हम देखेंगे, हमने देखे हैं कि जो ग्रेजिंग लैंड है वो कहाँ हो गई है, जो पास्चर्स है वो क्यों खत्म हो गई है, और जो कॉलर रूल है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ गए हैं उनके लाइफ पे, जो पास्टलिस्ट लोग है अफ्रीका में। और आज हम देखेंगे जब उनके बॉर्डर्स क्लोज किए गए हैं, क्या क्या क्लोज किए हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शन लगाने से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। देखिए, इन 19th सेंचुरी In late 19th century, Africa pastoralists could not move over vast area in search of pasture. उन क्या हुआ कि जो वो घूम रहे हैं, वो मोमेंटिंग कर रहे हैं इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड। एक जगह पे वो अपने माल वेश लेते हैं, फिर वहां पे जब घास भूस खत्म हो जाता है तो वो फिर दूसरी एरिया में चले जाते हैं अपने माल मवेश लेके, है ना। तो लेकिन वो जब उन पे कदगन लगाया गया है उनके मोमेंट पे, कॉलोनी रूल इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी। इस तरह जो कॉलोनी रूल आया है, जो वाइट लोग आए हैं, उन्होंने पूरी रिस्ट्रिक्शन उन पे मोमेंट पे किया है। वो किसी तरह का मोमेंट अब नहीं कर सकते हैं, उनको कन्फाइनड रखा गया है। जिस तरह इंडिया में, इस तरह अफ्रीका में भी हालत बन गई है, यही सिचुएशन में वही कानून बनाए गए हैं। तो लाइक मसिया अदर पेस्ट्रोल ग्रुप्स आल्सो फोर्स टू लिव विद इन कन्फाइन्स ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। तो जिस तरह हमने पढ़ा होगा कि जो मसिया कम्युनिटी है, ये 5-6 कम्युनिटी है, मसिया एक ऐसी कम्युनिटी है, तो उनको भी कन्फाइंड किया गया है एक ऐसी एरिया पे जहाँ बारिश कम हो रही है, जहाँ पास्चर्स अवेलेबल नहीं है। यानी उनको एक ही जगह पर रहने के लिए कहा गया है, उनको जो नॉमेडिक लाइक है उसको उनको गिव अप करना पड़ा है। तो फिर उनको कन्फर्ट के इस तरह जो बाकी कम्युनिटीज है उन उनसे भी वही हालत बन गई है, उनको भी उनके साथ वही कानून बनाए गए हैं, उन पर भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो इस तरह नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट परमिशन। अगर किसी को कहीं जाना भी होगा लेकिन वो उनको कहा गया है कि वो स्टॉक लेके नहीं जा सकते हैं, माल मवेश लेके नहीं जा सकते हैं। अगर कोई किसी को भी मजबूरी जानी है तो उसके लिए उनको परमिशन होना चाहिए। अगर कोई जब किसी को भी जाने की इजाज़त देंगे, जाना उसको ज़रूरी है, तब उसको इसके लिए परमिशन होनी चाहिए, इजाज़त होना चाहिए गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से जो वहाँ पे है वहाँ उनसे परमिशन लेना चाहिए। और फाउंड गिल्टी ऑफ डिसओबेइंग रूल पंचर, अगर किसी ने डिसओबे किया है, रूल को ब्रेक किया है, खुद चला गया है विदाउट परमिशन, तो अगर वो फंसा, अगर वो किसी जगह पे किसी नाके में फंस गया है तो उसको फिर खतरनाक सजा दी जाता है। उनके लिए बहुत सारे बहुत ही खतरनाक कानून बनाए गए हैं। नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज, नो पार्टिसिपेशन इन ट्रेड। तो इसके अलावा उनको कहा गया है कि दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज, जहाँ जहाँ वाइट लोग रहते हैं, जिस मार्केट में वाइट लोग का आना जाना है, वाइट एरिया में जहाँ वो रहते भी हैं, वहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं है। किनको? जो पास्टलिस्ट, जो नॉमेडिक लोग हैं। और नो पार्टिसिपेशन ट्रेड, और कहीं 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 पर भी उनको कोई भी तजारत करने की इजाज़त नहीं दी गई है। यानी वो खुद अपनी क्यों उनकी तजारत पे बिल्कुल बैन लगाई गई है, लेकिन अगर कहीं पर हुई भी, लेकिन उनके इसके लिए एजेंडा रखे गए हैं, वो डायरेक्ट कोई अपना माल नहीं बेच सके। पहले वो हमने देखे हैं, वो मिल्क बेचते हैं, मीट बेचते हैं, स्किन बेचते हैं, और कोई चीज़ बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, लेकिन बाद में उन पर इस सब चीज़ों पर क्या मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। अगर वो कोई भेजना भी चाहते हैं तब उसके लिए बीच में कोई एजेंट होने, डायरेक्ट वो नहीं व्यापारिक व्यापारी नहीं बन सकते हैं। वाइट एंड यूरोपियन
saw pestilences as dangerous, उनको डेंजर्स कहते हैं, उनको क्रिमिनल्स कहते हैं, जिस तरह 1878 ईस्वी में क्रिमिनल एक्ट बनाया गया है, जब इंडिया में हमने देखे हैं कॉलोनी रूल ने बनाए, तो इस तरह यहाँ बाप भी उनको सस्पेंस नजर से देखा जाता है, उनको क्रिमिनल माना जाता है, कौन वाइट एंड यूरोपियन लोग, इन पेस्टलिस्ट लोगों को कॉन्टेक्ट हैड टू मिनिमाइज विद देम, तो उन लोगों को कहा कि उनके साथ ज्यादा तालमेल नहीं रहना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कांटेक्ट तो कम करने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनसे उठना बैठना, उनसे तुजात वगैरह बिल्कुल कम होना चाहिए, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, लेकिन कटिंग ऑफ लिंक्स हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो व्हाइट और यूरोपियन लोग हैं उनका डिपेंड इन ब्लैक लोगों पर है, क्योंकि उनको लेबर्स की जरूरत है, उनको टाउन बनाने की जरूरत है, उनको रोड बनाने की जरूरत है, उनको स्ट्रीम्स बनाने की जरूरत है, यानी जो भी काम उनको करना है वो इन्हीं ब्लैक लोगों से करवाते हैं, लेकिन इसलिए वो पूरी जो लिंक्स उनके साथ है उनके साथ वो नहीं कट सकते, काटे गए हैं, क्योंकि अगर ये चीज हो जाएगा फिर जो वाइट कॉलर डिपेंड्स ऑन ब्लैक लेबर टू बोर माइनर्स, उनको बोर माइनर्स वगैरह कुछ करनी है, बिल्ड रोड्स बनानी है, टावर्स, यानी जो भी काम उनको, वो जो हार्डशिप काम होते हैं वो उन्हीं लोगों से करवाते हैं, अगर वो उनसे अपना नाता तोड़ देंगे तो मुमकिन नहीं हो सकता है कि वो कोई ये काम कर सकते हैं, कोई फिर ये काम कर सके, इसलिए इस वजह से उनको इनके साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखना पड़ा, लेकिन ज्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं है। तो फिर इफेक्ट क्या पड़ा है इस चीज से, ड्रॉट इफेक्ट इज लाइफ कैटास्ट्रोफिक, जब ड्रॉट हुई है, जब खुशकसाली हुई है, उनको एक ही एरिया में कन्फाइंड किया गया है, जब वहां पे बारिश नहीं हो रही है तो फिर पानी भी नहीं है, फिर क्या हुआ है, सब कुछ सूख गया है, न तो कोई एग्रीकल्चर बन गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन न बना है, जो कैटलस है वो जब उनको घास मैसा नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं है, वो मर गए हैं, कहत पड़ गई है, इस तरह से, क्योंकि वो जब वो जिस एरिया में रहते हैं जब वहाँ खुशहाली होती है, पानी वगैरह कम होता है, बारिश नहीं पड़ती, फिर वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं, जब उनको इजाजत ही नहीं दी गई है, तो उनको एक ही जगह रहना पड़ा है, एक ही एरिया में रहना पड़ा है, तब उनकी वजह से क्या होता है, तो ये चीज हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करें, इन 1930 की बात अगर करें, इसमें एक सर्वे हो गया है, मस्या पॉसी, जो मस्या कम्युनिटी है वो इन केन्या में, जो ये मस्या लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी है, बताया जाता है कि उनके पास कितने कैटल शीप होते हैं, 7,20,000, 7,20,000 शीप और कैटल है, और डोंकी कितने हैं, 1,71,000 डोंकीज उनके पास है, लेकिन जब 2 साल की बात, जब 2 साल उनको एक ही जगह रहना पड़ा और ड्राउट हुई, तो उनको कन्फर्म किया गया है, तो इन 2 सालों में क्या हो गया है कि 1933 to 1934 हावर हाफ ऑफ द देयर स्टॉक डाइड, तो इस जो ये तादाद है उनको भी नसीब हुआ, क्योंकि बहुत उनके जो तकरीबन 50% उनका जो लाइव स्टॉक है वो मर गया है, किस वजह से, ड्रॉट की वजह से, स्टॉट की वजह से, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला है, घास फूस कहीं कहीं पर भी घास नहीं अवेलेबल नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो पानी की वजह से मर गए हैं, तो इस तरह सिर्फ 2 साल में ही उनकी जो उनके पास जो लाइव स्टॉक है उसका हाफ हो गया है, इस तरह से जब उनके बॉर्डर्स क्लोज किए गए हैं, उनका रिस्ट्रिक्शन मोमेंट है, उनके रिस्ट्रिक्शन, उनके मोमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, उनके मोबाइल पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उनको उनको कन्वर्ट किया गया है, तो ये चीज़ हुई है, तो ये फिर ये इफेक्ट उनके लाइफ पर पड़ा है। थैंक्स।